हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम लेके आए हैं चेतक स्कूटर है हमारे पास। तो इसकी जो भी थी ना इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम थी, इसमें क्या था, हेडलाइट, इसके इंडिकेटर बल्ब, इसका हॉर्न, ये सब ख़राब हो रहे थे। इसमें एक रेगुलेटर लगा रहता है, उसके में प्रॉब्लम थी। तो हमारे को मार्केट में परचेज नहीं हो रहा था, तो हमने इसमें कुछ एडिशनल काम किया है। है इन्हीं की गाड़ियों का कोई पुर्जा हमने लगाया है, आपको दिखाना चाहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कर देना। बहुत छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं है ये। इसमें कोई वायरिंग वगैरह भी कुछ भी नहीं करना है आपने, बस जस्ट एक पुर्जा है मार्केट में, हमारे को इसका मिल नहीं रहा था। काफ़ी पुरानी गाड़ी हो रखी है, आपको भी पता है इसके बारे में। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले देखिए, हमने इसमें यहाँ पे बाइक वाला हेडलाइट बल्ब चेंज किया है, जो आप हम आपको दिखा देते हैं। कुछ इस तरह का बल्ब लगा दिया इसके अंदर, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है हर बाइक वाली शॉप पे, गाड़ी वाली शॉप पे। तो जो इसका ओरिजिनल बल्ब है, काफ़ी दिक्कत होती है मिलने में, तो हर भाई रखता भी नहीं है। तो हमने कुछ जुगाड़ कर दिया इसके अंदर, वो भी हम आपको दिखाएंगे खोल के जो भी किया है। इसी तरह की ट्यूब हमने लगा दी है इसके अंदर। लगाने के बाद हुआ क्या है, तो हम आपको वहीं पे ले चलते हैं फटाफट। तो हम इसको खोल लेते हैं, इसको डिग्गी को, इसकी साइड वाली डिग्गी में जो कुछ भी होता है। तो खोल लिया इसका लॉक। तो खोलने के बाद देखिए, थोड़ा सा चाबी फंस रहा है, पानी की लगा, मेरे को लग रहा है बारिश की वजह से है, क्योंकि गाड़ी हमने करके दे दिया था कस्टमर को, तो चाबी हमारा निकल गया। तो देखिए, इसके अंदर हमने ये पुर्जा लगा रखा है, देख पा रहे हो आप, ये LML गाड़ी का है, जो LM गाड़ी होती है ना वेस्पा की, उसी का है, देख पा रहे हो आप। इसमें यहाँ पे ब्लैक बना हुआ है, यहाँ पे ग्रे है, और यहाँ पे येलो है। तो हमने किया क्या है, यहाँ पे तीन ही शॉकट होते हैं, तो हमने उसी उसमें भी तीन ही होते हैं, तो हम वो भी दिखा रहे हैं आपको। तो ये गाड़ी में लगा ही हुआ है, जो असली वाला होता है वो दिखा रहे हैं हम आपको तुरंत अभी। तो देखिए, वो वाला हम दिखा रहे हैं, गाड़ी के अंदर ही रखा हुआ है हमारा। तो कुछ इस तरह से होता है इसके अंदर ये वाला। तो ये ख़राब हो गया था, मार्केट में मिलता नहीं है जल्दी, ना मिला है हमारे को, काफ़ी ढूंढा है हमने तो ना पुराना मिला है। तो हमारे को वेस्पा स्कूटर का ये मिल गया था इजीली। तो हमने करना क्या है, इसमें यहाँ पे जो इसकी अर्थ वाली वायर है वो लगा देनी है, यहाँ पे मेन वाली 12 बोल्ट जो भी AC करंट आता है वो यहाँ पर लगा देना। यहाँ पर अब स्प्लेंडर गाड़ी का भी चार्जर लगा सकते हो, रेगुलेटर होता है जो भी है वो भी लगा सकते हो, वो भी काम करेगा बिल्कुल ही ऐसे ही। जहाँ पे हम बैटरी वाली वायर लगानी होती है, ये रेड वायर है जो पूरी अंदर अपने हेडलाइट में और इंडिकेटर सब हॉर्न वगैरह में यही रेड वाली वायर जाती है। ये जो दोनों वायरें हैं ये आती हैं हमारे इधर की साइड से, जहाँ पे इंजन घूमता है उसके अंदर से आती हैं। तो ये दोनों तारें यहीं पे आके लग गई हैं, ये आउटपुट निकल गया। अभी इसको लगाने का मकसद ये था, हमारे को इजीली मिल भी गया मार्केट में से ये, और नया भी मिल जाता है, पुराना भी मिल जाएगा आपको। तो ये वाला ढूंढना थोड़ा दिक्कत हो जाती है, मार्केट में नहीं है अभी ये गाड़ियाँ। वेस्पा स्कूटर मिल जाता है देखने के लिए, इसका ब्रांड भी है, अभी इसका सामान भी मिल रहा है, एजेंसियाँ वगैरह खुली हैं। बजाज चेतक में बजाज गाड़ियों का, इस गाड़ी का कोई भी सामान नहीं मिलता है। तो हमने इसको बेटर समझा लगाने के लिए। अभी लगाने के बाद इसकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया हो गई है कि लाइट भी बहुत बढ़िया चल रही है जैसे वेस्पा स्कूटर की होती है। उसके बाद इंडिकेटर, इसका हॉर्न, हेडलाइट ख़राब नहीं हो रही है, एक नंबर है। तो भाई, आपके पास चेतक स्कूटर आता है तो आप भी ये चीज़ लगा सकते हो, कुछ भी नहीं करना है। आप देख पा रहे हो, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का, वीडियो बना लो जो भी है, सेव करके रख लो अपने पास, देख पा रहे हो, अच्छे से वीडियो ले लो इसकी। तीन ही वायर हैं, कुछ भी नहीं करना है। ये अर्थ है, ब्लैक वाला अर्थ हमने यहाँ पे टाइट कर दिया है, एक जस्ट आपको दिखाने के लिए किया है, बहुत बढ़िया फिट है। थोड़ा कस्टमर को दिक्कत आएगा तो थोड़ा साइड में घुमा के हम और फिट कर देंगे, अभी के लिए ठीक है। कस्टमर ने चलाया, हमारे को बताया कि ये बढ़िया चल रहा है, तो मैंने सोचा आपके लिए भी एक वीडियो बना दी है इसके लिए। तो अभी जो हेडलाइट में हमने बल्ब फिट किया है, उसकी भी वीडियो आपको दिखा देता हूँ खोल के इसको फटाफट। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कर देना भाई। तो बड़ी आपके लिए लेके आते हैं हम वीडियो। इसका नट खोल देते हैं, नट खोल दिया हमने, एक नट ऊपर लगा हुआ है इसके, नट भी खोल देते हैं। थोड़ा अंदर कर लेते हैं इसका,
हमने खोल दिया, देख पा रहे हो आप, हमने इसको यहाँ पे दूसरा शॉकेट लगा दिया निकाल के। तो देख पा रहे हो ये ट्यूब हमने यहाँ पे बाइक वाला ही फिट किया हुआ है। जो स्प्लेंडर गाड़ी का हो, प्लेटिना गाड़ी का हो, किसी का भी हो, 35x35 का लगा रखा है। ठीक है, अभी मैं खोलूँगा, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है जी, अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो बहुत बढ़िया है, मेरे को लग रहा है नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें रिफ्लेक्टर बना रखा हुआ है। तो खोलेंगे काफ़ी, ये देखिए मैंने प्लास से इसको थोड़ा दबा दिया है काट के वहाँ से, तो आपको भी ये कर सकते हो तो कर लीजिए। देख पा रहे हो आप कैसे किया हमने, ये टॉप पे रखा है, ये आगे देख लो टॉप इसका, ये टॉप है आगे में, तो इसी तरह ये फिट किया हुआ है, देख पा रहे हो आप, टॉप में ही रखा हुआ है बिल्कुल लेवल में। तो आप भी ऐसा बना के फिट कर सकते हो। आपको अभी चला के दिखा देता हूँ इसके बारे में, लाइट कैसी है इसकी, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं हो रही है। देखिए अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं, चाबी लगा देते हैं, तेल ऑन कर देते हैं इसका, थोड़ा चोक लगा देते हैं क्योंकि गाड़ी में दिक्कत हो रही है थोड़ा सा। देखिए बहुत बढ़िया है, चार्जर चल रहा है, नहीं है टिकट भी चल रहा है इसका, आगे का चल रहा है, साइड का लगा दो, साइड का चल रहा है, जो अभी ब्लिंक नहीं कर रहे हैं इसके अंदर फ्लशर होती है, ख़राब है। तो हमारा मकसद था आपको लाइट दिखाना, लाइट भी पूरी तेज है। ठीक है भैया, तो ऐसे ही वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक शेयर जरूर कर देना। तो वैसे और भी आपको किसी गाड़ी में दिक्कत आती है तो हमारे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो आप, इंस्टाग्राम पे भी हैं हम, तो यूट्यूब पे भी हैं, यहाँ इसी पे मैसेज कर दिए अपना अपना कोई भी आप मैसेज करके हमारे को कोई भी दिक्कत आ रही है आप बता सकते हो, तो हम उसका हल वीडियो बना के ज़रूर आपको बताएँगे। तो अभी के लिए इतना ही है भाई, धन्यवाद चैनल का सबके। तो कोई भी मैकेनिक आपकी गाड़ी है, आपके पास है, ये वीडियो सेव कर लो, किसी मैकेनिक के पास जा रहे हो तो ये दिखा के भी उसको सामान के लिए आप रिकमेंड कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा भाई, धन्यवाद सबका।